अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरास किचन। आज हम मायरास किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा लच्छेदार पराठा। ये पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का आटे का पेड़ा, और इस पेड़े को मैंने बेलन की मदद से बेलकर रोटी की शक्ल दे दी है। रोटी बेलने के बाद मैं स्प्रेड कर रही हूँ तकरीबन एक टेबलस्पून के करीब मेल्टेड बटर। आप अगर चाहें तो ऑयल या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मेल्टेड बटर रोटी पर स्प्रेड करने के बाद अब मैं कटर की मदद से रोटी के स्ट्रिप्स बनाऊंगी। आप चाहें तो नाइफ़ यूज़ कर लें। स्ट्रिप्स काटने के बाद अब मैं सारे स्ट्रिप्स को रोल की शक्ल दे दूँ। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिप को लिया है, उसको रोल करके दूसरे स्ट्रिप पर रखा है, फिर दूसरे स्ट्रिप को रोल करके तीसरे स्ट्रिप पे रखूंगी, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। सारे स्ट्रिप्स को रोल करने के बाद एक पेड़े की शक्ल आ गई है, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम इस आटे के पेड़े को खुश्क आटे में डिप करेंगे, और खुश्क आटे में डिप करने के बाद मैं बेलन की मदद से दोबारा बेल के रोटी बना लूँगी। रोटी बेलने के बाद हम पहले से गरम तवे पर पराठा पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर। थोड़ा सा मक्खन स्प्रेड कर रही हूँ मैं 1 से 2 टेबलस्पून के करीब, और मक्खन लगाने के बाद अच्छी तरह से दोनों साइड से फैला लेंगे। अब हम पराठे को पकने देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा पराठा गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाता। जी फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा लच्छेदार पराठा तैयार है। आई होप आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करूँगी एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।